नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। देवरिया जिले में एक ऐसा विद्यालय जहां आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने पर मजबूर। एक तरफ तो योगी सरकार बच्चों के प्रति पठन पाठन पर तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है, पर यूपी के देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र ग्राम आमघाट के प्राथमिक विद्यालय में ऐसी कोई सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पा रही है। यूं कहें कि अन्य सुविधाओं से वंचित है यह स्कूल, जहां पर आला अधिकारियों की नजरें तक भी नहीं पहुंच पा रही है। स्कूल में सिर्फ एक कमरे है पढ़ने के लिए और बच्चों की संख्या 81 है। मौसम इस समय ठंड है और बच्चों को इजाजत दी जा रही है कमरे में बैठा कर। आप बच्चों को बाहर क्यों बैठा के पढ़ा रहे हैं, क्या रीजन? अब बच्चों की उपस्थिति के हिसाब से कमरे में जगह पर्याप्त नहीं है, हम उनको उसमें एकोमोडेट करने में समस्या आती है और साथ साथ पठन पाठन का कार्य भी बाधित होता है। तो जब तक थोड़ा बहुत मौसम सही रहता है तो हम फील्ड में लेके बैठना हमारी मजबूरी है। एक कमरा है मात्र एक कमरे में कितने बच्चे हैं? नामांकन तो हमारे वहाँ 81 का है और उपस्थिति 60 के आसपास है। 60 बच्चे एक कमरे में बैठ पाते हैं कि नहीं? बहुत मुश्किल से। आपने उच्च अधिकारी बीएसए जैसे प्रॉपर चैनल से हमेशा जो है बातें होती रहती हैं। हमारा अभी एक हफ्ते पहले हमारे माननीय हमारे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए थे, उनसे भी हम अपनी समस्या जो है प्रस्तुत किए, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि शासन से लगातार पत्राचार चल रहा है, जैसे ही धन आवंटन होगा विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण शुरू कराया जाएगा। बच्चों को लेकर पठन पठान में कम जगह हो तो ऐसे किस तरह की समस्या फेस हो सकते हैं बच्चों, क्या दिक्कत हो? दिक्कत तो सर एक साथ एक कक्षे में 5 कक्षाओं का संचालन ये समझा जा सकता है कि वो एक तरह से असंभव कार्य है। हाँ, चूंकि हम लोग अध्यापक हैं तो अपने स्तर से प्रयास होता है जितना ज्यादा से ज्यादा समेकित शिक्षा दिया जा सके, वो अपने स्तर से प्रयास किया जाता है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि हमारे भवन का यथाशीघ्र निर्माण हेतु बजट प्रस्तावित हो जाए ताकि हमारे बच्चों का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कक्षा वाइज आमघाट रामपुर कारखाना ब्लॉक के आमघाट गांव में। आप किस पद पे हैं? हम यहाँ के प्राथमिक विद्यालय आमघाट के प्रधान अध्यापक। नाम क्या है? नाम हमारा सुनील कुमार पांडे है। यह जो विद्यालय है देखा जा रहा है कि यहाँ कमरे बहुत कम है और बच्चे ज्यादा हैं। आज बारिश मौसम हुआ है और बारिश हो तो बच्चे कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या? देखिए सर, हमारे पास मात्र एक अतिरिक्त कक्ष है। बारिश हो, गर्मी हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारी मजबूरी है कि हमको उसी अतिरिक्त कक्ष में सारे कक्षाओं का संचालन करना पड़ता है। या बताओ, ठंड का मौसम आपने स्वेटर भी नहीं पहना है, क्यों बाहर आप लोग बैठे हैं? सर, हम लोग के स्कूल में बस एक ही कमरा है। सर, हम लोग के अध्यापक हम लोग को बाहर ही बैठा बाबू। जहाँ शिक्षा को लेकर बहुत उत्तर प्रदेश सरकार के, आप अपने मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं कि आपके विद्यालय में किस तरह की सुविधा हो? सर, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारा स्कूल जल्दी से बन जाए। कितने में पढ़ते हैं और क्या नाम है आपका? सर, हम क्लास 5 में पढ़ते हैं और हमारा नाम आयुष पाठक है। बाबू, आप लोग बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों अपने टीचर्स नहीं बोलते हैं कि ठंड लग रही है, अंदर बैठाइए? सर, हमारे स्कूल में बस एक ही कमरा है जिससे हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे टीचर हमें बाहर बैठाते हैं। बस एक ही कमरा है? यस सर। बरसात में और ठंड में आप लोग बाहर भी बैठते हैं? यस सर, हमको बाहर बैठना पड़ता है। अधिकारी आते हैं जाँच करने के लिए? नहीं। आप यस सर, उन लोगों से आप लोग शिकायत नहीं किए कि हम लोग धूप लगती है, ठंड में ठंड लगती है? सर कहते हैं तो कुछ करते भी नहीं है। कितने में पढ़ते बाबू? विद्यालय सर, हम कक्षा 4 में पढ़ते हैं और ना ये आमघाट का विद्यालय।